हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको यूट्यूब चैनल टेक कंपनी हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में जाना है कि खुशखबरी, 2000 रुपए की 8वीं किस्त अकाउंट में आनी शुरू। लिस्ट में ऐसे देखें अपना नाम। दोस्तों पूरी जानकारी मैं आपको वीडियो में देंगे कि आपके बैंक खाते में, किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान की तरफ से 8वीं किस्त अकाउंट में कब आएगी और कैसे आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टेक कंपनी हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब बटन में क्लिक कर और पास ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नई दिल्ली किसानों के बड़ी आई खुशखबरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त 2000 रुपए की किस्त किसानों के खाते में आनी शुरू हो गई है। जी हाँ दोस्तों, देश के 8 करोड़ किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम चला रही है। इस योजना के तहत सरकार हर योग्य किसान के खाते में साल में 3 बार 2000 रुपए के हिसाब से साल में 6000 रुपए जमा करती है। सरकार पहली किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक देती है, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 दिसंबर तक आती है, तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच ही दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि ऐसे में सरकार ने पहली किस्त किसानों के खाते में डालनी शुरू कर दी है। आपके खाते में ये पैसे इस बीच कभी आ सकते हैं। सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के सभी लाभार्थियों को एक लिस्ट जारी करती है। इस लिस्ट में जिन किसानों का नाम होता है उन्हें यह किस्त दी जाती है। ऐसे में सबसे पहले आपको यह चेक करना लेना चाहिए कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं। इसे पता करने का तरीका भी हम आपको बताने जा रहे हैं। 2019 के बजट में घोषित इस योजना के तहत सरकार हर योग्य किसान के बैंक खाते में साल में 3 बार 2000 रुपए के हिसाब से साल में 6000 रुपए जमा करती है। अभी तक सरकार 7 किस्तें जारी कर चुकी है। आखिरी किस्त दिसंबर 2020 में जारी हुई थी। अब 1 अप्रैल से किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपए की 8वीं किस्त आने वाली है। इस प्रकार 8वीं किस्त के साथ किसानों के खाते में 16000 रुपए आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अगर आपको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला तो आपको 8वीं किस्त से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आपका नाम लिस्ट में बाहर तो नहीं हो गया। कई किसानों की किस्त या तो लटकी है या फिर पेमेंट फेल हो गई है। पिछले साल 25 दिसंबर को मोदी सरकार ने 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 18000 रुपये किस्त के रुपये में डाली थी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि 8वीं किस्त से पहले कर ले ये काम। 8वीं किस्त आने को लेकिन फिर भी तकनीकी खामियों की वजह से अभी 1 मार्च तारीख 4 लाख किसानों के खातों में 7वीं किस्त नहीं पहुंची है। यह आंकड़े पीएम किसान पोर्टल के हैं। इसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के किसानों की संख्या है यहां पर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस गलती के कारण रुका है आपका पैसा। अक्सर किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी रहने के चलते पैसा अटक जाता है। सबसे सामान्य गलतियों में आधार अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में गलती सामने आती है। अगर ऐसा हुआ तो आपको आने वाली किस्तें भी नहीं मिल पाएंगी। आप कॉमन सर्विस सेंटर SCCS पर जाकर इन गलतियों को सुधार सकते हैं। हालाँकि इन गलतियों को आप घर बैठे सुधार सकते हैं। हम आपको घर बैठे गलतियाँ सुधारने का तरीका बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। रोजाना ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक कंपनी हिंदी को अभी भी सब्सक्राइब कर लियो और पास ही बेल आइकन को भी दबा दियो। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप कौन से जिले व किस राज्य से देख रहे हैं। अगर आप किसान हैं तो आपके बैंक अकाउंट में 8वीं किस्त आई है नहीं आई है, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अति शुभ हो।